करीम मबाद फौज बिल्लाह मिनश्शैतान रजीम। आज 3 शाबान मुअज़्ज़म बज़ात खुद अल्लाह ताला ने इस महीने को बहुत ही फजीलत अता फरमाई है, क्योंकि माह रजब जो कि अल्लाह का महीना है और माह रमज़ान जो अल्लाह के रसूल की उम्मत का महीना है, और शाबान को हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा महीना है। और इस महीने में जो इससे भी बढ़कर आला और अरफा काम आलम इस्लाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया, वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी वलादत पाक 3 शाबान को हुई। और वो हुसैन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष सवार इमाम हुसैन, कौन इमाम हुसैन जो जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नाना के शबीह इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जिनके वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और हजूर के प्यारे प्यार और मोहब्बत वाली शख्सियत और हजूर के दामाद, और वो इमाम हुसैन जिनकी वालदा हजूर की रखते जिगर और ख्वातीन की जन्नत में ख्वातीन की सरदार, वो इमाम हुसैन जो इस तमाम आलम इस्लाम के लिए अपने सबसे अजीम तरीन अपने और अपने खानवादे की कुर्बानी देकर दोबारा इस्लाम इस अपने नाना के दीन को जिन्होंने ज़िंदगी बख्शी, वो इमाम हुसैन, उनका ये ख़ास दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उनके जो उन्होंने हमारे लिए मैयार मुकर्रर फरमाए हैं उम्मत मुसलमा के लिए, सच के लिए हक के लिए डट जाओ, उसके लिए जान भी देनी पड़े तो अपनी जान की परवाह ना करो, अपनी जान को जान का नजराना पेश करके भी सच का बोलबाला करो। और यजीदियत जो के शुरू से मुर्दाबाद है उसको उसके अंजाम कार तक पहुँचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और तमाम आलम इस्लाम को सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजीलतों को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की अकीदत और एहतराम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।